आज रोज बोल रहा हूँ कि श्री सीमेंट छोड़कर कोई सीमेंट खरीदना नहीं, मार्च तक ये कोई शेयर खरीदना नहीं। अगर नहीं कहेंगे तो बता दीजिए दोस्त। उस लिस्ट में सभी ऐसे स्टॉक के नाम हैं जिसमें मैंने ओपन बोला दोस्तों कि 31 जनवरी तक ये स्टॉक मत खरीदना और 1 फरवरी से लेके 31 मार्च तक ये सभी स्टॉक किसी भी कीमत पे नहीं खरीदना। उसके बाद भी खरीदेंगे, उसके बाद नहीं बेचेंगे, चलो बढ़ जाएगा ये स्टॉक मार्केट दोस्तों, लालच देता है। जिस दिन नीचे जाना रहेगा वो आपको सुबह खुलेगा तो दिखाएगा ऊपर जा रहे हैं और फिर नीचे जाएगा और फिर वहाँ से रिकवरी। आज देखिए 2 बजे के बाद क्या होता है, खेल और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा। जाने दीजिए, जाता है तो जाने दीजिए, जाता है तो जाने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों चिंता कर रहे हैं। जाता है तो जाने दीजिए, सभी लोग जाते हैं, एक दिन तो सभी चला जाएगा, फिर क्या सोचना। और यही स्टॉक मार्केट में आपको मैं बता दूं, एक दिन 19,000 के पार भी करना है दोस्तों। अब ये खेल जो है पूरा 2023 जो है ये 19,000 पर खेल खेलता रहेगा। आप टेंशन मत लीजिए, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी एक ही गुजारिश है आपसे, कि अगर ट्रेडर हैं आप, ट्रेडर अगर हैं तो आप इंतज़ार कीजिए। गिरावट में भी कैसे कमाई होती है, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक स्टॉक मार्केट में कभी भी ट्रेडिंग करने के बारे में नहीं सोचना दोस्तों, ये भी जान लीजिए। और ये मैं बार बार इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग सीखिए सीखिए सीखिए, और नहीं सीखेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं। हम तो यही कर सकते हैं ना कि आपको सिखाने की कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन जब आप सीखेंगे नहीं तो मैं कैसे सिखाऊँगा। जबरदस्ती तो कोई कर नहीं सकते, और जबरदस्ती करेंगे तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे। तो आपको इच्छा होना चाहिए, इच्छा नहीं रहेगा तो फिर आप स्टॉक मार्केट में नहीं सीख पाएंगे। चलिए देखते हैं, 2:10 हो चुके हैं, स्टॉक मार्केट क्या कहता है। सोमवार की तैयारी करनी है दोस्तों, 7 बजे एक वीडियो आएगा, 4 बजे वीडियो आएगा, और एक शुक्रवार शनिवार रविवार को जो आता है, सोमवार की बात एमबीए बीके सिंह के साथ में। तो इस महागिरावट का कारण क्या है, क्यों गिरा, गिरावट में क्या करना चाहिए, ये सभी सवालों के जवाब जस्ट इसके पास एक वीडियो आएगा, उसको ज़रूर देखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।